हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 70 साल बाद पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश पुलिस द्वारा मनाए गए इस पहले स्थापना दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। इस दौरान उन्होंने पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पुलिस विभाग के स्थापना दिवस मेडल का विमोचन किया। उन्होंने पुलिस की वार्षिक दिवस पुस्तिका का भी विमोचन किया। राज्यपाल द्वारा इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी अजय ठाकुर व प्रियंका नेगी, बॉक्सर गीतानंद, बॉक्सर अतुल ठाकुर, कुश्ती खिलाड़ी रानी, बॉक्सर अजय सिंह, परेड कमांडर डॉक्टर मोनिका को भी सम्मानित किया। प्रदेश पुलिस की 7 बटालियन में से इस वर्ष 3rd बटालियन पुनरोह को सर्वश्रेष्ठ बटालियन के लिए चुना गया। राज्य के सर्वश्रेष्ठ थाने में चंबा सदर थाने को चुना गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव वीसी फारका समेत कई अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर पुलिस के जवानों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसी भी प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा काम होता है और इसका जिम्मा पुलिस का होता है। राज्यपाल ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। उनका कहना है कि लोग विश्वास के साथ पुलिस के पास जाते हैं और इस उम्मीद से जाते हैं कि वहां उनकी सुनवाई होगी और उनकी समस्या का समाधान होगा। ऐसे में पुलिस को उस विश्वास को बनाए रखना होगा। आज हिमाचल प्रदेश पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया और यह प्रथम स्थापना दिवस विधिवत आज आयोजित किया गया है। इसमें पुलिस बल के जवानों ने अपने विविध कार्यक्रम दिखलाए और सब लोग उनसे काफ़ी प्रभावित रहे। इस अवसर पर पुलिस की जो अब तक की उपलब्धियां उनकी भी जानकारी रही और मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर पुलिस बल के प्रत्येक कर्मचारी को लेखा जोखा करने के लिए भी प्रेरित करते हैं कि हम किन ऊंचाइयों पर गए हैं और कौन सी कमियां रही हैं। जो कमियां रही हैं वो दूर करनी हैं और प्रदेश के लोगों को एक न्याय मिले और उनको सहयोग पूरा और सुरक्षा मिले, यह पुलिस का दायित्व है। और इस दिशा में मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश अपने उद्देश्यों को पूरा करेगी। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के महानिदेशक सोमेश गोयल ने कहा कि स्थापना दिवस पुलिस बल को नई ऊर्जा और ताकत देता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर है। देखिए, हमारे लिए अपने किसी भी व्यक्ति के लिए जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। हमारे लिए ये विशेषकर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 70 वर्षों के बाद आज हम इस परिपाटी को हमने शुरू किया है और इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, शिमला वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बड़ी संख्या में हमें शुभकामनाएँ भेजी हैं और हमें ये उम्मीद है कि हम आने वाले समय में जो अपेक्षाएं हमसे हैं हम उन पर खरा उतर पाएंगे। और आज का दिन ये हमारे लिए सेलिब्रेट करने का दिन भी है
और अपने आप को समाज की सेवा में रीडेडिकेट करने का भी दिन है। और मैं स्वयं अपने सभी अधिकारियों, सभी जवानों की तरफ से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम सदैव आपके साथ आपके दुख की घड़ी में खड़े रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।